कोरोना महामारी के चलते बरेली के सुभाष नगर स्थित रामलीला मैदान में हुआ दशहरे का आयोजन सोशल डिस्टेंस के साथ, जो कि 5 बजे का टाइम ही रावण को जला दिया गया। पुलिस प्रशासन राम मुस्तैद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रावण का वह दहन करे। प्रदीप सक्सेना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदीप सक्सेना ENI न्यूज, जो कि बरेली की हलचल के नाम से अपडेट हो रहा है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। झेलना पड़ा है, उसके बारे में क्या हमने रूपरेखा बनाई? हम लोगों ने इस बार ये करा था महामारी के उसमें, एक तो यहाँ पर हमारी स्थिति ये हो जाती है, कोई मंडी नहीं आती, हमारे यहाँ लोकल बच्चे ही यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, इस वजह से यहाँ भीड़ रहती है काफी। तो हम लोग, हमारी कमेटी ने इस बार ये निर्णय करा कि हम लोग प्रदर्शन ना करके गायन करेंगे। तो श्री राधेश्याम रामायण का गायन प्रत्येक, जिस हिसाब से हमारी रामलीला होती थी उसी हिसाब से उस दिन का गायन लीला का हम लोगों ने करा। और आज उसमें यह हुआ कि हमारे 50-60 लोग ही यहाँ पर रहे सुनने वाले श्रोतागण, तो हमारा जो गाइडलाइन थी सरकार की वो भी पूरी होती रही और हमारी परंपरा भी नहीं टूटी। और दशहरा मेले का हमने छोटा एक 10-12 फीट का रावण यहाँ पर लगाकर, रावण का पुतला और स्वरूप में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी के द्वारा उसमें आग लगाई गई, उसका बंद करा गया। और आज ये दशहरा कई भी परंपरा हम लोगों ने इस तरह से COVID-19 के गाइडलाइंस के अनुसार ही पूरी करी है। कोविड गाइडलाइंस की वजह से ये तो हुआ कि हमारे जो दर्शक थे, जो साल भर सुभाष नगर की जनता इंतजार करती है इस रामलीला का प्रदर्शन देखने के लिए, वो मायूस हुई है। लेकिन अगर राघवेंद्र सरकार और ठाकुर जी महाराज चाहेंगे तो अगले वर्ष हम लोग फिर धूमधाम से रामलीला का मंचन करेंगे। क्या बोलना है? जानना चाहेंगे कि जो रामलीला का जो इस बार नए तरीके से जो पूरा मंचन किया गया, मतलब गायन पद्धति में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कि हम लोगों ने अपनी कमेटी के साथ, खासकर मंत्री जी अध्यक्ष जी के साथ बैठकर ये चर्चा की, धर्मशाला इतिहास के हमारे साथ रहे रायन सिंह कन्हैया, ये चर्चा हुई कि इस बार मंचन होगा नहीं और हमारी 78 वर्ष की रामलीला परंपरा को हम कैसे निभाएं। बिल्कुल। तो हमने, चूंकि हम राधेश्याम रामायण में ही शुद्ध रूप से रामलीला करते हैं, तो हमने कहा क्यों ना कि इस बार राधेश्याम रामायण को ही प्रोग्राम के तहत पढ़ा जाए। जैसे कि हम मंचन करते हैं, आज इतनी लीला होगी तो उतनी ही पाठन हो, संगीत में पाठन, वो हम लोगों ने किया और विधिवत तरीके से बहुत अनुसर तरीके से हुआ। और प्रतीक आत्मक रूप से हमने आज पुतला का दहन भी किया, जिससे कि भीड़ भी ना हो, COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए हम अपना परंपरा को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। आज का कार्यक्रम हुआ है।